पानी पियो बेटा, रो मत, पानी पियो। मुझे भूख लगी। चार दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे लगा मैं गणेश से मिले बिना ही मर जाऊंगी। आ बेटा, मेरे साथ चल बेटा। मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो? मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच यह है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। एक सेलिब्रिटी छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर ये पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती है। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे। ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं, और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे? कोई जवाब नहीं है इसका। मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना, और दुश्मनों को भी नहीं। लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा हाजिर हूं। किसी भी हाल में मुझे वो लड़की चाहिए। थोड़ी कॉफी पी ले। नहीं चाहिए चाचा। टेंशन मत ले, वहां ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ले। हाँ? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना, मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। तुम्हें सांबर पसंद है ना? सांबर पुराना शुरू हो गया। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना, तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना, तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना, तो मेरी तरह जीरो फिगर हो जाएगी। हंस रही है, अब खुश ना? हेलो जानू, मेरी है। अगर तूने उसको हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जा, जाके कॉफी पी। अरे जाना। अब तो खुश हो ना? अब सब ठीक हो जाएगा।
तुमने कहा वो असली हीरो है और मैं नामर्द कायम। तेरे मरने के बाद आएगा क्या वो? बुलाओ उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही है वो? यही है। मुझसे दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है, तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूँ। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता, मैं एक खतरनाक ब्रांड हूँ, विक्रम धनुष हूँ मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन चाइना, टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। दिखने में स्टाइलिश हूं लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लो तुम ही करो। इतनी आसानी से नहीं मानना चाहती। हा? मैं चाहती हूँ दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा। सही कह रही हो, इतनी आसान मौत, इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता, मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, इसे कानून सजा देगा। अरे कहां इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं।
ठीक ही किया तुमने, नसीब अच्छा था इसलिए बच गया, और बुरी मौत मरेगा, मारेंगे। लेकिन कमीना है सारा। डर गई थी ना, मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है। चलो देखो मत प्यार हो जाएगा। चलो